ऊपर नित रहूं लटका अपनी बनमाल का फूल बना दे लहरे टकराती हो जिससे कमनीय कालिंदी का कूल बना दे पद पंकज तेरे छुएंगे सदा ब्रिजराज हमें ब्रज धूल बना दे करकंज से थामते हो जिसको उस वृक्ष कदम्ब को मूल बना दे पद पंकज तेरे छुएंगे सदा ब्रिजराज हमें ब्रज धूर बना दे ब्रिजराज हमें ब्रज धूर बना दे ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया ऐसा क्या कौन कौन कन्हैया से पूछना चाहता है सरकार ऐसा हमने क्या किया आपके लिए जो आपने हमारा हाथ थाम लिया ऐसा क्या किया मैं तो आपका भजन भी नहीं कर पाया मैं तो आपकी सेवा भी नहीं कर पाया मैं तो आपकी पूजा भी नहीं कर पाया लेकिन फिर भी आपने कृपा बरसा दी ऐसा क्या किया अगर आप भी पूछना चाहो गोविंद से तो एक बार दोनों हाथ उठा के कह दो सभी ओ ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तूने था सभी पुकारिएगा ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया वो ऐसा क्या सभी पुकारो नाम किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया एक बार दोनों हाथ उठा के सभी बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो जय हो बंसी वाले की जय हो
ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ओ ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ओ मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। मेरी जिंदगी भी बदल दी, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ओ ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा सताएगी उसे, तेरी माया क्या सताएगी उसे, जिसे अपना तूने मान लिया। तेरी माया क्या सताएगी उसे, जिसे अपना तूने मान लिया। ओ तेरी माया सताएगी उसे, जिसे अपना तूने मान लिया। सभी गाइए। तेरी माया क्या सताएगी उसे, जिसे अपना तूने मान लिया। ओ मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ओ ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम
इन दुखियों का तू सहारा है, 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 और डूबती नाव का किनारा पर गोविंद की कृपा दृष्टि की वो नजर पड़ जाए तब क्या होता है कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपको कलयुग में ही इतने उदाहरण मिल जाएंगे गोविंद की कृपा के। आज से 400-500 वर्ष पीछे चले जाएं तो महाराष्ट्र में रहने वाली वो परम भक्ता सकूबाई का नाम आपने सुना होगा। सकूबाई विठल नाथ से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन क्या करें, परिवार में केवल अकेले वही भक्ता थी, वही भक्त थी। पति भी विमुख, घर में रहने वाली सास भी विमुख, किसी का भक्ति भाव से कोई लेना देना नहीं। और विवाह के बाद सकूबाई पर इतने अत्याचार हुए, लेकिन सब कुछ सहते हुए भी विठल नाथ को याद करती रही। जय। एक दिन घर से निकल गई चंद्रभागा नदी की तरफ जल भरने के लिए, और मार्ग में कुछ वैष्णवों की टोली को कीर्तन करते हुए जाते हुए देखा। सभी वैष्णव विठल 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 माजा विठल माजा विठल करते जा रहे थे। सकूबाई के हृदय में भाव आया कि ये मेरे प्यारे का नाम कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, जरा पूछूं तो सही कहां जा रहे हैं। और किसी वैष्णव से पूछ लिया, भाई तुम विठल विठल करते हुए नाम संकीर्तन करते हुए कहां जा रहे हैं? तो उस वैष्णव ने कहा, बहन हम पंडरपुर की यात्रा पर जा रहे हैं, पंडरपुर जा रहे हैं विठल नाथ का दर्शन करने के लिए। अब तो सकूबाई के मन में ऐसा भाव आया, क्या मैं अपने प्यारे का दर्शन करने के लिए नहीं जा सकती? क्या मेरे भाग्य में विठल नाथ का दर्शन नहीं लिखा? देखना सरकार ने कैसी कृपा की, क्या क्या करते हैं गोविंद अपने भक्तों के लिए। ध्यान से सुनना, कुछ पड़ोसी भी साथ थे, कुछ पड़ोसन साथ थी सकूबाई की, और सकूबाई ने जल से भरा हुआ मटका तो नदी के किनारे रखा और उन वैष्णवों की टोली में जाकर चलने लगी। मिल गई कि कुछ भी हो, अगर मैं घर में चली जाती हूं तो घर से बाहर निकलना मुश्किल नहीं, कोई मुझे जाने नहीं देगा। आज कुछ भी हो जाए, चाहे प्राण संकट में आ जाए, लेकिन आज मैं यात्रा पर निकल ही जाती। उधर तो वो विठल नाथ की यात्रा पर निकली है, इधर जो पड़ोसन साथ थी उसने जाकर सकूबाई के घर पर शिकायत कर दी और सकूबाई की सास से कहा कि तेरी बहू तो उन भक्तों के साथ संतों की टोली में जाने कहां जा रही है, अगर पकड़ सकती है तो पकड़ ले, अभी कुछ ही दूर गई होगी। और सकूबाई के सास ने अपने बेटे को बुलाया और आज्ञा लगाई कि उस सकू को पकड़ के ला चंद्रभागा के किनारे, कुछ संत लोग कहीं जा रहे हैं उनके बीच में सकूबाई भी उनके साथ जा रही है, और केवल पकड़ के मत लाना, वहीं से मारते पीटते हुए बाल पकड़ के घसीटते हुए लेके आना। और पति ने भी ऐसा ही किया, मां की आज्ञा को माना, और गए हैं ढूंढते ढूंढते मिल गई सकूबाई भक्तों की टोली के बीच में, और भक्तों की टोली के बीच में सकूबाई को बहुत मारा बहुत पीटा और वहीं से बाल खींचते हुए सकूबाई को अपने घर तक लेके आए। उधर सास ने भी बहुत प्रताड़ित किया और सास ने कहा इसका भोजन पानी बंद कर दो और इसे कोठरी में बंद कर दो, और एक कोठरी के अंदर सकूबाई को उसका पति ले जाता है और एक खंबे से रस्सी से बांध दे, और सकूबाई नेत्र अश्रु प्रवाहित कर रही है, आंखों से रो रही है, विठल 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 विठल, क्या मेरे भाग्य में आपके दर्शनों का सौभाग्य नहीं लिखा, क्या मैं आपके दर्शन प्राप्त नहीं कर सकती।
आखिर मैंने आपसे चाहा ही क्या है, मेरा मांगना तो देखो मैं तुमसे क्या मांगती हूँ, मैं तुमको तुम्ही से यहाँ मांगती हूँ प्यारे। दुनिया तो आपसे जाने क्या क्या मांगती है, आप सब कुछ देते हो, मैंने तो केवल आपका दो घड़ी का दर्शन मांगा है, क्या मेरे भाग्य में आपका दर्शन नहीं लिखा। कहते हैं गोविंद भी अपने लोक में रह नहीं पाए और विठलनाथ सकुबाई की कोठरी में प्रकट हो जाते हैं, सकुबाई का बंधन खोल देते हैं और सकु से कहते हैं जा तू तो पंडरपुर जाकर दर्शन कर और मैं यहाँ तेरी देखभाल करता हूँ, तेरे घर की देखभाल करता हूँ, अब तेरे पे कोई संकट नहीं आएगा, अब तुझे कोई रोकेगा नहीं क्योंकि मैं आ गया हूँ। सकुबाई को तो निकाल दिया, सकुबाई तो पहुंच गई पंडरपुर और पंडरीनाथ श्री विठलनाथ श्री ठाकुर जी सकुबाई की जगह सकुबाई का रूप लेकर रस्सी से बंध जाते हैं, खंबे से बंधे खड़े, भक्त के लिए भगवान बंध जाते हैं, प्रेम के बंधन में प्रभु बंध गए और प्रेमियों ने जो बनाया सो बन गए, भक्त को तो मुक्त कर दिया और भगवान खुद भक्त के बंधन में बंधे खड़े हैं, कमर से रस्सी बंधी है, काली अंधियारी कोठरी में गोविंद ना जाने कितने दिन तक भूखे प्यासे खड़े रहे, इतना कौन करता है साहब किसी के लिए। अगर इतनी इतनी लीला का दर्शन करने के बाद भी अगर हृदय में गोविंद के प्रति प्रेम जागृत नहीं तो समझना हमारे पास दिल ही नहीं, गोविंद ने पत्थर दिया है हमारे, गोविंद ने दिल ही नहीं दिया। इसलिए दिल की मांग करो, हृदय की मांग करो, उस हृदय की मांग करो जिस हृदय में केवल कन्हैया का प्रेम हो प्यारे। इसलिए पुकारो आज, कह दो सरकार से दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, ओ दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, ओ डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है, ओ डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है, वो तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने ना दिया, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, कभी भी उसे रोने ना दिया, ओ ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, और जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, और जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे, हर खुशी का इल्तजाम किया, मेरी हर खुशी का इल्तजाम
या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, मेरी हर खुशी का इंतजार किया, या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। अगर गहराई से देखोगे तो रावण ने भगवान से शत्रुता की, लेकिन शत्रुता करके भी अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर लिया। कंस ने भगवान से शत्रुता की और ऐसी शत्रुता की कि कोई भी काला रंग दिखे तो उसे कन्हैया ही कन्हैया नजर आए। कहने का भाव मात्र इतना है, आप गोविंद से एक रिश्ता तो बना कर देखो, भले ही गोविंद के साथ दुश्मनी बना लो, लेकिन दुश्मनी भी पूरी ईमानदारी के साथ में बहुत, तो देखो गोविंद कृपा करते हैं कि नहीं करते। गज और ग्रह की लड़ाई का दर्शन करो, आप सब ने भागवत में सुना होगा, गज के चरण ग्रह ने पकड़ रखे हैं, गज के प्राण संकट में आ गए, जल में डूबता जा रहा है गजराज, सूंड तक जब जल आ गया तब उसने श्री हरि को पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, और प्रेमियों पलक झपकने में देर हो सकती है लेकिन गोविंद के आने में देर नहीं हुई। उस वक्त गोविंद के आने में देर नहीं हुई, गजराज की पुकार को अनसुना नहीं किया, आए गजराज की रक्षा के लिए, लेकिन पहले उद्धार ग्रह का किया, उस मगरमच्छ का किया, बाद में गजराज का उद्धार किया। गजराज जब बैकुंठ में पहुंचे गोविंद के दरबार में तो देखते क्या है कि गजराज से पहले वो ग्रह बैकुंठ लोक को प्राप्त कर चुका है। गजराज ने गोविंद से पूछा, सरकार इसके कारण ही तो मैं संकट में आया था, यही तो मेरे प्राण लेना चाहता था, अरे इसी के कारण तो मैंने आपको पुकारा था और आपने इसे अपने बैकुंठ का अधिकारी बना दिया, ऐसा इसने कौन सा पुण्य किया जो आपके बैकुंठ को पा गया। गोविंद ने कहा, पुकारा तूने था, तेरी पुकार पे मैं आया था, तुझे बचाने में आया था, लेकिन जब मेरी दृष्टि ग्रह के ऊपर गई और मैंने देखा एक ग्रह ने मेरे भक्त के चरण को पकड़ रखा है, तो पहले भक्त का उद्धार नहीं, पहले जिसने मेरे भक्त के चरणों को पकड़ा उसका उद्धार करने का दायित्व बनता है। इतना कौन करता है। हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, मेरी जिंदगी की बदल दी तूने, जरा सा मैंने तेरा नाम। एक उदाहरण और श्रवण कर लो, मैया यशोदा यमुना जी के किनारे बैठी हैं, छोटे से कन्हैया भी मैया के संग बैठे हैं, मैया यशोदा यमुना जी के किनारे दीप दान करने के लिए आई हैं,
और एक एक दीप को प्रज्वलित करके, एक एक दीपक प्रज्वलित करके यमुना जी की धारा में मैया यशोदा छोड़ रही। कन्हैया ने कहा मैया क्या कर रही हो, तो मैया ने कहा लाला दीप दान करने आई हूँ, कार्तिक का महीना चल रहा है ना, श्री यमुना जी में दीप दान करने आई। अब मैया यशोदा तो दीप दान कर रही है, कन्हैया की तरफ ध्यान नहीं, और कन्हैया भी यमुना जी के किनारे बैठे हैं कुछ दूरी पर, और जो दीपक मैया दीप दान कर रही यमुना जी की धारा में छोड़ रही है, उनमें से कुछ दीपक कन्हैया किनारे पे जो आ रहे थे उनको निकाल निकाल के बाहर रख रहे थे अपने पास। जब दीपक दान कर लिए मैया ने और कन्हैया पर दृष्टि गई, तो मैया ने कहा अरे लाला मैंने तो यमुना जी की धारा में दीपक छोड़े थे, इतने सारे दीपक तूने अपने पास इकट्ठे क्यों कर लिए, ये तो यमुना जी की धारा में बहने के लिए छोड़े थे। कन्हैया का उत्तर सुनना, छोटे से कन्हैया का उत्तर, और हम सबको सीख मिलती है उस उत्तर से। कन्हैया ने कहा मैया देख, जो जिसका जिन दीपक का ध्यान मेरी तरफ नहीं है वो अब भी दीपक यमुना में बहते जा रहे, लेकिन जिन दीपक का ध्यान मेरी तरफ था और बह बह के किनारे पे आ गए, तो मेरा काम तो फिर किनारे से पार लगाना ही है। जो दीपक बह रहे हैं उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं, कहने का भाव जो मुझसे विमुख है वो तो भवसागर में डूबते हैं, लेकिन जो मेरी शरण प्राप्त कर लेता है, जो मेरी ओर आता है, उन्हें भवसागर से खींच के मैं अपने चरणों में रख लेता हूँ। इतना कौन करता है, इसलिए पुकारते रहो गाते रहो भैया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा जरा सा मैंने तेरा नाम